हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक और फार्मूला का डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है हर एक न्यूमेरिकल को करने में जो वर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हो लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ वर्क। तो एक तो फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो ऑलरेडी, कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट कंडीशन क्या है कि इसमें जिधर आप बल लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक साइकिल चला रहा आदमी और उसको धक्का हम पीछे से दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये आएगा, फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही हम बल लगा रहे हैं। पैंडल हम चला रहे हैं साइकिल का, तो जिधर साइकिल चल रहा है उधर ही पैंडल को मूव करा रहे हैं। क्लियर बात समझ में आई? तो जिधर फोर्स लगा रहे उधर डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स लगता है। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि जिधर आप बल लगाते हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे एक गाड़ी नज़र आ रही होगी, मैंने टी लिख दिया है ताकि लगे कि टेस्ला जैसा है मानना ना मानना आपका है। तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को कोई खींच रहा है, ठीक है ना, टेस्ला की खिलौने वाली कार। और सिंपल सी बात है, जब कोई खिलौने वाली कार या गाड़ी को कोई खींचता है उसको वो ऑब्लिक्वली खींचता है। इसको ऑब्लिक्वली बोलते हैं, ऑब्लिक्वली का मतलब तिरछा है ना। बचपन में सब लोग किया होगा, मेला में मिलता था, हम लोग रस्सी बांध करके पूरा पैसेंजर उसेंजर बैठा के एकदम मैंने उन्हें घूमते रहते थे, होता था ना ऐसा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसको ऊपर की तरफ मैंने किया है, ये बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है जो उसको खींच के आगे की तरफ बढ़ा रहा है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो गाड़ी है उसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, आप एरो से समझो, और फोर्स हम लगा रहे हैं इधर। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन में देखो यहाँ पे अंतर आ जा रहा है, तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बतलाने का काम यहाँ पे हमने किया है। देखिए क्या होता है आगे, जब हम यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। देखो बन गया, आप यहाँ से भी मिला सकते हो, वहाँ से भी बना सकते हो, एक देखा गया स्पेसिफिक शेप बन जाए और देखने में अच्छा लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, और कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, पहले ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो ये 90 है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा बतलाइए, हाइपोटेनस। अब आगे फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, यही ना लगा रहे हो, तो ये वाला जो साइड है ये किसको डिनोट करेगा, फोर्स को जो आप लगा रहे हैं हाथ से। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका ग्राउंड पे हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ठीक है, अब पता करते हैं यहाँ पर कि ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों यहाँ पे है, तो जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा है ना, ये डिसाइड करेगा कि कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो फोर्स जिधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उन दोनों के बीच का एंगल डिसाइड करेगा। मैं सिर्फ जनरली आपको बतला रहा हूँ, आपको ये समझ में आ भी जाएगा कि अगर आप जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर आप बल लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम होता है, उसके अलावा आप थोड़ा सा इधर उधर लगाओ उस तरीके का इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा जैसा कि आपको उस केस में दिखा था जिसमें आप जिधर आप मूव करा रहे थे ऑब्जेक्ट को उधर ही आप बल लगा रहे थे। साइकिल कोई चला रहा है और साइकिल को आप नीचे की तरफ धक्का दो, मूव तो करेगा आगे की तरफ बट उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आप पहले जब उसको पैरेलली धक्का दे रहे थे। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? तो वही बात यहाँ पे हो गई, तो तिरछे ऐसे धक्का दे रहे हैं। अब हम फार्मूला तो कोई जानते नहीं, हम तो फार्मूला यही जानते हैं कि भाई जिधर बल लगा रहे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो तिरछा, और डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का ऐसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स इधर जा रहा है, इस फोर्स को अगर हम एफ से डिनोट करें, है ना, जो मेरा पूरा वैल्यू है, और पूरा तो नहीं लग रहा है, तो कुछ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और लग रहा है ना, तो ये इसको हम क्या आपसे डिनोट करेंगे, एफ डैश से।
हमने डिनोट कर लिया एफ डैश से। समझने की कोशिश करिए, इधर आप पूरा बल लगा रहे हैं, जितना आपके हाथ में था बल लगाया हमने, बट इफेक्ट उतना दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक नहीं है, ये तिरछा है, क्लियर। लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है, और बिना मतलब एक बात तो बड़ा नोटिस करने वाला है, और आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में तो बताया ही जाता है कि बिना फोर्स के मोशन नहीं होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है, गाड़ी मूव करती है, मेला में से गाड़ी लाते हो खींचते हो मूव करती है, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी को कुछ ना कुछ फोर्स मिल रहा है, बट वो एफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा मिलेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो लॉ ही खराब हो जाएगा। तो कितना मिल रहा है? उस एफ का कुछ भाग मिल रहा है, जिसको हम एफ डैश से डिनोट किया है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो, बट मैंने एफ डैश से डिनोट किया है कि रिलेट ज़्यादा कर रहा है, अच्छा लग रहा है। क्लियर बात हो गई, समझ में आया? लग रहा है इधर हमने उससे छोटा सा एक भाग ले लिया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और बिना डिस्प्लेसमेंट फोर्स के पॉसिबल नहीं है। तो वो फोर्स कहाँ से मिल रहा है? जो रस्सी से हम इधर खींच रहे हैं उसमें से थोड़ा सा इधर मिल जा रहा है ना, पूरा नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया? अब जो फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, वो क्या जानते हैं बतलाइए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बतलाइए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ डैश लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? एस पेरो, ठीक है, क्लियर। एफ डैश क्यों यूज किया? क्योंकि एफ डैश ही यूज कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, पूरा एफ तो इधर जा रहा है ना, तो ये एफ डैश हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी शायद, तो ये वर्क डन यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये जो एफ डैश का जो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, जो आपने पहले पढ़ा था। तो ये क्या है बतलाइए? बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेनस है। बेस में क्या है? एफ डैश, और हाइपोटेनस में एफ डैश का भाई कौन है? एफ। और इन दोनों के बीच में रिलेशन बतलाने का कौन करेगा काम? कॉस थीटा साइन थीटा। कौन थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बतलाइए? बी बटा एच। बी के जगह पे क्या रखिएगा? एफ डैश। एच के जगह पे क्या रखिएगा? एफ। सिंपल। यहां पे मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? एफ डैश का। वर्क डन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एफ डैश चाहिए, है ना? एफ डैश नहीं था तो हमने इसको ऐसे लिंक कर दिया। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बतलाइए? वन है, ठीक। तो एफ डैश में वन से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों बतलाओ? एफ डैश। और कॉस थीटा में एफ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। सिंपल। ये बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? बहुत पहले से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश के जगह पे क्या लिखाएगा? एफ कॉस थीटा, है ना? आई इंटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला तैयार। बट बोलिएगा सर ये तो मिल नहीं रहा है, हमने तो कुछ और पढ़ा है। अरे भाई आपने ये पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो इसमें क्या गड़बड़ी है? एस पीछे था उसको आगे ला दिया गया, मल्टीप्लाई में है, तो ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, जो हर कंडीशन में लागू होता है जब आपको न्यूमेरिकल बनाना होता है वर्क डन का। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।